चांदनी रात में नौका विहार करने के आनंद का लंबे अरसे के बाद पर्यटकों ने भेड़ाघाट पंचवटी में आनंद उठाया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पंचवटी में मारेवा की आरती के साथ सुमधुर गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाकर पर्यटक भी काफी खुश नजर आए। जिला प्रशासन की पहल पर लंबे अरसे के बाद भेड़ाघाट पंचवटी में रात के वक्त नौका विहार का आरंभ हुआ है। संगमरमरी वादियों के बीच बुद्ध पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में नौका विहार करने के लिए पर्यटकों की भीड़ रही। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पहले मां नर्मदा की महाआरती की गई और उसके साथ ही नौका विहार का भी दौर चला। बड़ी संख्या में आए पर्यटकों ने नौका विहार का लुत्फ उठाया और प्रशासन की इस पहल की सराहना की। गाइड इधर आओ, भैया बुला रहे। अरे प्राण जाए पर वचन ना जाए। काफी अच्छा, मतलब रिलैक्सिंग था काफी, एंड प्लस वो म्यूजिक भी काफी अच्छा लगा हमें। मतलब वो बिल्कुल पहाड़ के बीच में से गा रहे थे, तो काफ़ी इनोवेटिव और न्यू था मेरे लिए। मतलब ऐसे होता रहता है ना, तो पता रहता है कि सिटी में कुछ तो भी हो रहा है, तो लोग ऐसे स्मॉलर सिटीज़ को ये नहीं सोचते कि यहाँ कुछ नहीं होता है। तो मतलब पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है। आज का ये आनंदमय प्रोग्राम और मूनलाइट का ये प्रोग्राम जो कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित किया गया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम हम सब लोगों के गर्व की बात है, ऐसे कार्यक्रम हम लोगों को होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को एक मनोभावना जागती है कि हमारे यहाँ भी कुछ कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। नगर परिषद भेड़ाघाट की सीईओ शिवांगी महाजन और जेटीपीसीएल के हेमंत सिंह ने बताया कि नौका विहार शुरू करने की पहल का बेहतर रिस्पॉन्स मिला है और आगामी कोशिश रहेगी कि इसे जारी रखा जाए। कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हमें 13 से 17 मई के बीच 7 बजे से 10 बजे तक मार्बल रॉक्स मूनलाइट बोटिंग का आयोजन करने की परमिशन ग्रांट हुई थी। इसके तहत हमने बोटिंग की शुरुआत की है, जो कई अरसे बाद चालू हुई है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइव म्यूजिक का विशेष प्रबंध करके रखा हुआ है, साथ ही आकर्षक फूड स्टॉल्स की व्यवस्था की हुई है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लाइव जैकेट्स कंपलसरी किए हुए हैं, होम गार्ड्स की टीम को भी डिप्लॉय करके रखा हुआ। कल इसका लास्ट डे है, 17 तारीख को 10 बजे इसका समापन कर दिया जाएगा। जबलपुर शहर से तो काफ़ी अधिक रिस्पांस हमें मिला है, साथ ही साथ हमें पूरे एमपी से भी टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, और काफ़ी वीआईपीज भी यहाँ पे इनकी हलचल रही है यहाँ। तो हम जिला प्रशासन से अनुमति लेने के पश्चात आगे भी इसको प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको देखते हुए भविष्य में हम लोग जो नर्मदा महोत्सव आएगा लगभग अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर होता है, तो उस समय भी नौका विहार कराएंगे, क्योंकि रिस्पांस आज का बहुत अच्छा रहा है। जिस दिन से स्टार्ट हुआ है 13 तारीख से, उस दिन से हमको रिस्पांस अच्छा मिलना प्रारंभ हो गया है, और आज तो चौथा दिन है, कल लास्ट है, और भविष्य में इसकी अनुमति अब हम लोग जो देंगे और इसको निरंतर रखेंगे। चांदनी रात में नौका विहार के साथ गीत संगीत का लुत्फ उठाकर पर्यटक भी खुश नजर आए। दैनिक भास्कर समर कैंप में शामिल प्रतिभागी फैशन डिजाइनिंग, कैलीग्राफी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस अटेंड कर अपने व्यक्तित्व की खूबियों को निखार रहे हैं। प्रत्येक विधा के विशेषज्ञ नए नए टिप्स प्रतिभागियों को दे रहे हैं। सिविक सेंटर दैनिक भास्कर कार्यालय विशंभर भवन में आयोजित दैनिक भास्कर समर कैंप 2022 लगातार जारी है। इसमें शामिल प्रतिभागी फैशन डिजाइनिंग, कैलीग्राफी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासों में व्यक्तित्व विकास का हुनर सीख रहे हैं। अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञ उन्हें सफलता के टिप्स दे रहे हैं। ये
वाला चीज ट्रेंड एक साइड रहेगा या इस साइड रहेगा? मेरी बच्चों को हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी की क्लास ले रहा हूँ। यहाँ जब से क्लास शुरू हुई बच्चों में लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है और बच्चे यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड बनाना बताया, इनको प्रोजेक्ट वर्क में लिखने बताया, इसके बाद 3D कैलीग्राफी की भी क्लास होगी जिसमें अक्षर हमारे उठे हुए दिखते रहेंगे। इसके बाद 21 तारीख से 3D कैलीग्राफी की क्लास भी चालू है। सर बेसिकली मेरा ये सोचना है, पर्सनल डेवलपमेंट जनरली लोग इंग्लिश की बात करते हैं पर उनका बिहेवियर और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है? सबसे पहले इस परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की जो कमी है, वो कॉन्फिडेंस किस चीज़ से कमी है? क्या इंग्लिश के कारण कमी है, क्या कॉन्टेंट के कारण कमी है? और वो अपने सामने वाले जो बंदे हैं उनको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से उनकी थॉट प्रोसेस रहती है? अगर बच्चे ये समझने लगेंगे सामने वाले का बिहेवियर तो धीरे धीरे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। और किस तरीके से हमें अपनी बात पुट करना हो, किस तरीके से हमें आर्ग्यूमेंट जो आर्ग्यूमेंट करते उस आर्ग्यूमेंट को एक हेल्दी डिस्कशन में कन्वर्ट करना है, हमको उस पर वर्कआउट करना है। प्रतिभागियों का उत्साह भी चरम पर है, वे अपनी पसंद का हुनर सीख कर काफ़ी खुश हैं। मैं यहाँ दैनिक भास्कर के समर कैंप में आई हूँ। मैं यहाँ पे कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग सीख रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और मेरी हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी अच्छी है हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है राइटिंग करना। राइटिंग में मैंने सीखा, अभी सर बता रहे हैं कि हर एक लेटर को चिपका चिपका के कैसे लिखना है। कि आपका जो बिहेवियर हो कैसा होना चाहिए, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखी आज बेसिक। भास्कर समर कैंप आके आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा सर, फर्स्ट टाइम की ज्वाइन की। क्या क्या सीखा आज आपने? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस तरह से लोगों से मतलब कम्युनिकेट करना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्या, एटीट्यूड क्या होना चाहिए आपका, ये सारी चीज़ें सीखी आज मेरे को। समर कैंप मैं 7 दिन हो गए हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। जैसे एक दुपट्टा हम लोग ने बनाया है और अभी हम लोग एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं और हमारी मैम अभी हम लोग को बहुत सी चीज़ें और सिखाने वाली हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आती है। जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो फैशन और टेक्सटाइल है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है डिफरेंट। जैसे अभी वो हम लोग को पेंट से भी बताएंगे कि कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोग कपड़े के ऊपर, तो अभी वो भी है और बहुत से चीज़ें हैं जो सिखाएंगी अभी हम लोग। प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें 3D राइटिंग, क्रिएटिव मेकअप एंड फोटोग्राफी की क्लासेस का इंतजार है। बरगी नगर से जबलपुर आ रही एक बस रानी दुर्गावती समाधि स्थल रोड पर पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। बरगी नगर से जबलपुर आ रही पवन तनय ट्रांसपोर्ट की बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बस पलटा दी। बस पलटने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और उन्होंने घायलों समेत अन्य यात्रियों को बाहर निकाला। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। बस एक बुकिंग में आ रही थी, वो पलट गई अचानक। क्या बुकिंग में? नहीं, नंबर उठाया था, बरगी नगर से चलती है जी जबलपुर के लिए, 1:30 बजे का नंबर था जो इधर आ रहा था। ड्राइवर क्या सो गया था, चिपक गया था? अरे वो रात भर का नींद आ रहा, ड्राइवर झपक गया था, इस कारण इधर पलट गई। कुछ लोगों ने बताया कि वो ड्राइवर ड्रिंक भी किया था इस तरीके। कुछ लोगों के बताने से थोड़ा कुछ रात में रहा या ड्रिंक तो किया तो उसमें आ गया, जब देख लेंगे। और कितने लोग घायल हैं इसमें सर जी? इसमें 3 लोग घायल हैं, नॉर्मल घायल हैं, मामूली चोटें हैं। वहीं बस में सवार लोगों का कहना है कि ड्राइवर की नींद लग गई थी जिसके कारण दुर्घटना हुई है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को रांची पुलिस ने सुभाष नगर झंडा चौक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल समेत लगभग 300 पाव देशी मदिरा भी जब्त की है। मोटरसाइकिल में अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे गोरखपुर निवासी शराब तस्कर अमन और अनंत चक्रवर्ती को रांची पुलिस ने सुभाष नगर झंडा चौक पर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 150 पाव देशी मसाला मदिरा और 150 पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त किया है। कल दिनांक 15/5/2022 को लगभग रात्रि 11 बजे स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई कि अमन चक्रवर्ती पिता संतोष चक्रवर्ती और अमन चक्रवर्ती पिता सुनील चक्रवर्ती दोनों निवासी देसी कलारी के पास गोरखपुर मोहनिया से बड़ा पत्थर की ओर साइन मोटरसाइकिल में दो सफ़ेद कलर की बोरी में अवैध कब्जे में रखी शराब बेचने के लिए आ रहे हैं, जो रांची थाना के स्टाफ के द्वारा सुभाष नगर झंडा चौक में घेराबंदी कर पकड़ा गया। जो अमन चक्रवर्ती पिता सुनील चक्रवर्ती गाड़ी चला रहा था और अमन चक्रवर्ती पिता सतीश चक्रवर्ती पीछे बैठा हुआ था। बीच में 2 सफ़ेद कलर की बोरी रखी हुई थी, जो एक बोरी में 150 देसी प्लेन शराब तथा दूसरी बोरी में लाल मदिरा मसाला 150 पाव जब्त किए गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। श्रीनाथ की तलैया में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। व्यक्ति का शव उसके घर में ही खून से लथपथ पाया गया है। पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लाटगंज थाने के पुलिस कर्मियों ने छानबीन शुरू की। फिलहाल हत्या की वजह और हत्यारों का पता नहीं चल सका है। लाटगंज थाना अंतर्गत श्रीनाथी तलैया में रहने वाले जयदीप सिंह राठौर की हत्या की वारदात सामने आई है। जयदीप का रक्तरंजित शव उनके घर के कमरे में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर लाटगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनकी मां रिश्तेदार के यहां गई थी और पड़ोसियों ने देखा कि वो काफी देर से घर से बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो उनका शव कमरे में पड़ा हुआ था। मेरी बुआ ने फोन किया था मेरे को, सुबह फोन किया था 2:30 बजे, तो बोली दादा का फोन नहीं लग रहा। तो मैंने रहा सोचा होगा, तो फिर उतने में एक सामने वाला लड़का है जो वो आया मेरे घर पे, तो बोला यार भैया सुबह से उठे नहीं है। तो आया उसने मेरे को बताया, मैंने कब से नहीं देखा तुमने, बोला रात में मैंने 1 बजे ताला लगाया हूँ बाहर से, बोले नहीं देखा। फिर वो आया मेरे को लेके आया, हम दोनों आए साथ में, तो फिर दरवाजा को खोला, ऊपर आके खिड़की से झांक के देखा तो भैया से पड़े थे। फिर मैंने अपने चाचा को फ़ोन लगाया, चाचा को बताया मैं, चाचा जल्दी आओ घर, घर पे आके इधर ध्यान से चाचा ने फ़ोन किया, फिर पुलिस को बुलवाया। पुलिस को बुलवाने के बाद वो सब आपके सामने है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। एएसपी ने बताया कि मृतक के सिर पर और शरीर पर धारदार हथियार से वार करने के निशान हैं। लॉर्डगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ श्रीनाथ की तलैया में जयदीप सिंह राठौर का मकान है। यहाँ वह अपने मकान में मृत अवस्था में पाया गया है। सूचना करीब आज शाम को 7 बजे मिली थी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम एवं अन्य आसपास के सरहदी थानों के थाना प्रभारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस घटना के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। जो मृतक है उसके सिर पर और शरीर में धारदार हथियार की चोट है और स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि यह मामला हत्या का है। इसमें हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे अनुसंधान किया जा रहा है। हत्या किसने की और वजह क्या है, इसकी पता साजी पुलिस द्वारा की जा रही है। बादलों की मौजूदगी की वजह से तापमान में गिरावट आई है और शहरवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसमविदों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनी नमी की स्थिति और टर्फ लाइन के कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी आई है, जिसके बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आसमान में छाए बादलों ने शहरवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत प्रदान की है। बादलों की मौजूदगी का असर अधिकतम तापमान पर भी पड़ा और सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम था। हालांकि न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के कार्यालय प्रभारी बीजू जॉन जैकब ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में नमी की स्थिति बनी हुई है और एक द्रोणिका भी बनी है, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम कार्यालय के मुख्यालय दिल्ली से जो पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से मॉनसून 16 तारीख को यानी आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करने की संभावना है। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो प्रवेश की नॉर्मल तिथि है वो 22 तारीख है। इसका मतलब इस बार मॉनसून जल्दी प्रवेश कर रहा है। साथ में ही जो केरल में प्रवेश का दिनांक है वो नॉर्मल 1 जून का है, लेकिन इस बार पूर्वानुमान के हिसाब से 27 मई को ही प्रवेश करने की संभावना है। इसमें प्लस माइनस 4 डेज की एरर रह सकता है। जबलपुर की बात करें तो आज बादलों के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है और कल 43.9 रिकॉर्ड किया गया था और आज लगभग 39 और 40 के बीच में रहने की संभावना है। इस समय बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवेश हो रहा है और हवाएं भी दक्षिण पश्चिमी चल रही हैं और उसके साथ में 2 ट्रफ नॉर्थ साउथ ट्रफ एक्टिव है, वेस्ट यूपी से साउथ एमपी तक एक और दूसरा बिहार से लेकर तमिलनाडु तक, इसका असर भी मध्य प्रदेश के ऊपर हो रहा है। इसके कारण बादल बने हुए हैं। जबलपुर के लिए तो बारिश का नहीं दिया है, लेकिन बादल रहेंगे और आगामी 2 दिन तक अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है। अभी तक की बात करें मई माह में
तो अभी तक अधिकतम 44.2 रिकॉर्ड किया गया था जो 14 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था। तो इस साल भी पूर्वानुमान के हिसाब से उम्मीद है कि 1 जून से पहले मानसून आ जाएगा। जबलपुर में आने की जो तारीख नॉर्मल 15 जून रहती है, लेकिन अगर 1 जून से पहले केरल में आता है तो संभावना है कि जबलपुर में भी 15 जून से पहले मानसून आ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून की भी अंडमान निकोबार में निर्धारित अवधि से पहले ही प्रवेश करने की संभावना बनी हुई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी।